सीकर थे हम लोग भी, और मैं और मिस्टर मन्हास बहुत सारे प्रवचन सुनते थे, टेलीविज़न पे प्रोग्राम सुनते थे। तो जो मदर हैं मेरे, उन्होंने गुरु धारण कर रखे थे। बचपन से संत लोगों का आना जाना रहता था घर में, तो अध्यात्मिकता में ही बचपन गुजरा। लेकिन माता जी को ये था कि कहीं नाम दीक्षा लड़की को नहीं दिलवानी है, पता नहीं आगे ससुराल में कैसे लोग मिलेंगे। तो शायद श्री माता जी के चरणों में स्थान मिलना था, तो यही कारण रहा होगा। तो हम लोग भी इस सर्च में थे कि कहीं सच्चे गुरु की तलाश में, जिसे कह सकते हैं। तो कई बार मन होता तो राधा स्वामी हैं, जो जो लोग सानिध्य में आते रहे तो उनसे प्रभावित होते रहते थे, लेकिन फिर भी मन कहीं ऐसा टिकता नहीं था। मेरा अध्यापन का कार्यक्षेत्र है, तो ऐसे ही हमारे स्कूल में भी एक प्रोग्राम सत्य साई बाबा की तरफ से हुआ। तब तक तो हम भी कुछ नहीं जानते थे, और गुरु गुरु, गुरु क्या है नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे ही ड्यूटीज दी गई, हमें भी दी गई, और मुझे भी ऐसे माइक पकड़ा दिया गया, तो कुछ शब्द कहने के लिए कहा गया। तो मुझे नहीं मालूम क्या था, तो मैंने भी जो मन में आया वो कहा, बहुत जोरदार तालियां बजी, ये सब हुआ। मुझे लगा कि मैं जिस तलाश में थी मुझे वो चीज़ मिल गई। तो उन्होंने भी मुझे एक भेंट स्वरूप जो था वो सत्य साई बाबा की एक फ़ोटो दे दी। अब मैंने भी उस फोटो को लिया, और जहाँ सभी देवी देवता के स्थान थे, मेरे मंदिर में भगवान शिव, पार्वती, दुर्गा माता, सभी, जैसे यूजुअली हम सभी हिंदू धर्म के लोगों के घरों में मंदिर में फोटोज होती हैं, वैसी ही फोटोज थी। इसके बाद बात है 2012 की, तो डलहौजी में थी हमारी पोस्टिंग। तो वहाँ पर जो था पब्लिक प्रोग्राम करवाया गया, और वहाँ पर जो पब्लिक प्रोग्राम हुआ तो ऐसे ही पैम्फलेट्स जैसे अब हम सब लोग देते हैं, एक पैम्फलेट हमारे टेबल पे पड़ा था जो कि हमारे वर्कर ने बाहर से कहीं से ला के रखा था। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो उसमें था सहयोग। तो शुरुआत में सभी कन्फ्यूज होते हैं योगा से, तो हमने भी सोचा योगा का प्रोग्राम होगा। तो मन्हास जी से कहा कि कल यहाँ पर रविवार है, छुट्टी है, तो हम ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे। तो उन्होंने कहा, उनको भी किसी ने कह रखा था, DFO साहब होते थे, उन्होंने उनको बताया कि कल यहाँ पर प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम हुआ। तो हम लोग चले गए वहाँ पर, और जैसे रियलाइजेशन दी तो उन्होंने भी यही कहा कि माँ की अल्टर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही श्री माता जी के अल्टर को देखा तो सर्वप्रथम माँ की जो झलक थी उसमें मुझे अपने मदर ही दिखाई दिए। तो बहुत अच्छा अनुभव था। पर जब उन्होंने पूछा गर्म और ठंडा, तो एक दिमाग में वही क्वेश्चन था कि गर्म का क्या मतलब होगा और ठंडे का क्या मतलब होगा। तो कर्नल कंधारी थे वहाँ पर, तो सेशन के बाद मैंने उनसे कहा कि भैया मेरा भी एक क्वेश्चन है, गर्म क्या और ठंडा क्या। तो मन्हास जी ने मेरी बाजू खींच के कहते कल पूछ लेंगे, चलो अभी चलते हैं। हम लोग चले गए। नेक्स्ट डे फिर से वो कंधारी साहब हमारे पीछे पीछे आए। मीन्स कहने का कि जब कोई मन से श्री माता जी का कार्य करता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये बिना इसकी क्वेरी को पूरा किए ये यहाँ से चला जाए। तो कंधारी जी ने फुसुकिंग बता रहे थे, उन्होंने उसको वहीं छोड़ा और मेरे पीछे वो आए, तो कहने लगे कि आप बैठिए मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने खैर बताया सब कुछ, और उसके बाद शुरू हो गया। अब घर में वो फोटो थी और इधर श्री माता जी थे, तो उन्होंने रेगुलर हमें रूटीन में अभ्यास कराना स्टार्ट किया, बताते थे सारा दिन कहाँ होता था, रात कहाँ होती थी, संडे हमें पता नहीं लगता था। लेकिन वो दुविधा थी कि अब घर की फोटोज को उठा के कहाँ रखा जाए। तो फिर एक दिन आया तो श्री माता जी से जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं, ऐसे ही मैंने कहा श्री माता जी अब मैं डलहौजी से जब कोटला जाऊँ तो मुझे एक साइड कर दीजिए कि मेरे को एक साइड होना है। और घर गई, आप यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल दीवार के साथ जो फोटो वो सत्य साई बाबा की स्टिक कर रखी थी, वो फोटो वहाँ से उल्टी गिरी हुई थी मंदिर में,
और वो चांदी की प्लेट थी जिसमें जोत थी, उस प्लेट को डेंट पड़ा हुआ था, जो एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात हमारे लिए। तो बस वो पल था और सब बंद और सारे का सारा बहा दिया गया। फिर श्री माता जी के मिराकल्स आपको सभी को पता है, अनुभव है सभी को, तो चाहूंगी सभी शेयर करें। बहुत अनुभव हो और साक्षात माँ दुर्गा के रूप में जो आज भेंट गई, उसी रूप में ही सर्वप्रथम माँ का साक्षात्कार जो हमारे साथ हुआ, तो वो हमारे लिए बिल्कुल ही अविस्मरणीय पल थे। तो श्री माता जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो ऐसा प्यार हम सबको हमेशा देती रहे, उनके चरणों से हम एक पल के लिए भी जुदा ना हो। जय श्री माता जी।